हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएस राइड्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 हेल्कियन ब्लैक कलर का डिटेल्स रिव्यू। तो इस रिव्यू में हम आपको डिटेल्स भी बताने वाले हैं इस बाइक से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन को, जैसे इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है और 2022 में अगर आप इस बाइक को लेना चाहते हैं या लेने की प्लान कर रहे हैं तो आपको कितना प्राइस पेड करना पड़ेगा और इस बाइक में आपको कितनी माइलेज मिलती है, तो ये सभी कुछ डिटेल्स में हम आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाले हैं। दोस्तों, यह बाइक आपको 5 वेरियंट और 12 कलर ऑप्शन में यह बाइक अवेलेबल है। तो दोस्तों, और भी आप मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, चैनल पर मैंने बना रखा हुआ है, जैसे हेल्कियन ग्रे कलर, हेल्कियन ग्रीन कलर और रेडिश रेड कलर का मैंने डिटेल्स रिव्यू बना रखा है, तो आप उसे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बाइक के फ्रंट से। तो फ्रंट में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। ऊपर साइड आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर पायलट लैंप लगे मिलते हैं और इसमें जो आपको हेडलैम्प लगा मिलता है, राउंड शेप मिलता है, रेट्रो स्टाइलिंग में हेडलैम्प लगा मिलता है, हैलोजन बल्ब का इसमें हेडलैम्प लगा हुआ है, जिसमें हेडलैम्प काउल आपको मिलता है, क्रोम फिनिशिंग में दिया हुआ है, जिससे यह बाइक काफ़ी प्रीमियम लगती है देखने में। और इसमें आप टर्न इंडिकेटर देखेंगे तो राउंड शेप में दिया हुआ है, बल्ब वाले इसमें इंडिकेटर लगे हुए हैं। अब फ्रंट सस्पेंशन की बात कर लें तो फ्रंट में आपको जो सस्पेंशन लगा मिलता है, टेलीस्कोपिक 41mm फोक 130mm ट्रेबल टाइप का इसमें सस्पेंशन दिया हुआ है। और आप यहाँ पे देखेंगे इस बाइक का जो फ्रंट फेंडर आपको देखने को मिलता है, कुछ इस तरह से आपको फ्रंट फेंडर देखने को मिल जाता है। जैसे आप देखेंगे आपको कुछ यहाँ पे ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है, कुछ इस तरह से इसमें दिया हुआ है, जो देखने में काफ़ी शानदार लगती है। ब्लैक कलर पर ये काफ़ी अच्छा लगता है। अब बात करें फ्रंट ब्रेकिंग का, तो फ्रंट में आपको इसमें डिस्क ब्रेक के साथ ABS लगा मिलता है। दोस्तों, यह बाइक सिंगल चैनल ABS साथ है, तो इसमें आपको जो डिस्क ब्रेक लगा मिलता है 300mm का इसमें डिस्क ब्रेक लगा हुआ है फ्रंट में। और व्हील साइज आपको 19 इंचेस का मिलता है और इसमें जो टायर साइज आपको मिलता है 100x19 इंचेस का इसमें ट्यूब वाले टायर लगे हुए हैं। और ब्रेक कैलिपर आपको मिलता है वाइब्रे का, इसमें ब्रेक कैलिपर लगा हुआ है और स्पोक व्हील आपको फ्रंट में मिलती है। अब बात करें रियर सस्पेंशन और ब्रेकिंग का, तो रियर में आपको जो सस्पेंशन लगा मिलता है इसमें ट्विन ट्यूब इमल्शन शॉक एब्जॉर्बर विद 6 स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोडेड टाइप का इसमें रियर में सस्पेंशन दिया हुआ है, जो काफ़ी अच्छा सस्पेंशन आपको रियर में मिलता है। रियर व्हील साइज की बात कर लें तो रियर में आपको जो व्हील साइज मिलती है 18 इंचेस का व्हील साइज दिया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे तो आपको जिसमें जो टायर साइज लगा मिलता है 120x80 इंचेस का ट्यूब टायर इसमें रियर में लगे हुए हैं। और रियर व्हील आपको मिलती है, स्पोक व्हील रियर में भी मिलती है। और रियर में आपको जो ब्रेकिंग मिलती है इसमें रियर में ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का फ्यूल टैंक, जो देखने में काफ़ी प्रीमियम लग रहा है इस कलर में। तो आपको ये कलर कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और रॉयल एनफील्ड की बैजिंग आपको देखने को मिलती है, टैंक पैड्स आपको दोनों साइड में मिल जाता है और इसमें आपको जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है 13 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया हुआ है। और इंजन आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो इंजन आपको इसमें मिलती है 349cc का एयर ऑयल कूल्ड इसमें इंजन लगा हुआ है, जिसमें आपको जो मैक्सिमम पावर मिलती है 20.2 BHP की एट 6100 RPM पे। और मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलता है 27 Nm का एट 4000 RPM पे मैक्सिमम आपको टॉर्क मिलती है। यहाँ पे देखेंगे साइड स्टैंड इंजन कटआउट का सेंसर आपको मिलता है इस बाइक में। और साइड पैनल पर आपको यहाँ पर क्लासिक 350 की बैजिंग देखने को मिल जाती है, जैसा कि इसमें जो ये कलर है इसी कलर में आपको क्लासिक 350 की बैजिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है दोनों साइड में। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं टैंक का राइट साइड प्रोफाइल, तो टैंक पर सेम वही ग्राफिक्स आपको मिलती है। राइट साइड में भी रॉयल एनफील्ड की बैजिंग देखने को मिलती है और फ्यूल लीड आपको मिलता है क्रोम का लगा मिलता है, और जो इसमें एग्जॉस्ट आपको मिलता है क्रोम का लगा मिलता है। और इंजन पे आपको रॉयल एनफील्ड की बैजिंग देखने को मिल जाती है। और जो इसमें फुटरेस्ट दिया हुआ है, ब्रेक दिया हुआ है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इसमें लगा हुआ है, जो राइडर फुटरेस्ट है या प्लेन फुटरेस्ट है, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लगा मिलता है। और साइड पैनल पर आपको यहाँ पर क्लासिक 350 की बैजिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस तरह से इसमें क्लासिक 350 लिखा हुआ है। और पीछे साइड में आपको जो इसमें एसेसरीज लगी मिलती हैं, जैसे साड़ी गार्ड इसमें दिया हुआ है, लेडी फुटरेस्ट आपको मिलता है, राइडर फुटरेस्ट इसमें लगा हुआ है, तो ये सभी कुछ आपको इसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी के इसमें लगे मिलते हैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में। स्विचेस की बात करें तो बाइक के लेफ्ट पर आपको पासिंग लाइट का स्विच, टर्न इंडिकेटर और हॉर्न का यहाँ पर स्विच मिलता है। और ऊपर साइड आप देखेंगे तो आई बटन मिलता है, जिससे आप कोई इन्फॉर्मेशन आप डिस्टेंस मीटर में देख सकेंगे। और यहाँ पे देखेंगे जो इसका हैंडल बार एंड है, इसमें क्रोम का लगा मिलता है। और मीटर कंसोल की बात करें तो इसमें आपको जो मीटर कंसोल लगी मिलती है, सेमी डिस्टेंस मीटर कंसोल दिया गया है। ऊपर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एनालॉग मीटर लगा हुआ है और डिजिटल मीटर उसके नीचे है, तो इसके चार तरफ आप देखेंगे क्रोम लगा मिलता है, जिससे ये बाइक काफ़ी प्रीमियम लगती है देखने में। और रॉयल एनफील्ड की बैजिंग आप देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो इसका हैंडल है, आपको क्रोम फिनिशिंग मिलता है
और राइट हैंड बार पे आपको जो स्विचेस मिलता है, इंजन आना पर स्विच दिया हुआ है और हजार लाइट फंक्शन का आपको राइट हैंड बार पे स्विच दिया गया है। और यहाँ पे देखेंगे आपको हैंडल बार एंड भी इसमें क्रोम कलर का मिलता है। तो यहाँ पर मैं इसे ऑन करके आपको दिखाना चाहूँगा इसका जो मीटर कंसोल है। तो ऑन करने के बाद ऊपर साइड में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर बैटरी स्टेटस, इंजन मालफंक्शन, एबीएस लाइट, फ्यूल इंडिकेशन ऊपर साइड आप देख सकेंगे एलॉग मीटर में, और डिजिटल मीटर में आप देखेंगे फ्यूल इंडिकेशन, ट्रिप ए, ट्रिप बी, इको इंडिकेशन, टाइमिंग और आपको रियल माइलेज कितनी मिलती है। तो आप यहाँ पर डिजिटल मीटर में देख सकेंगे। सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो इसमें आपको जो सीट लगी मिलती है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सीट लगा मिलता है जो काफ़ी कंफर्ट आपको प्रोवाइड करने वाला है पिलियन और राइडर दोनों के लिए। तो वेल कुशन आपको सीट इसमें लगी मिलती है और पिलियन ग्रैप्स आपको पीछे की साइड में यहाँ पे कुछ इस तरह से इसमें पिलियन ग्रैप्स दिया हुआ है। बात करें इस बाइक के रियर प्रोफाइल की तो रियर में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से ग्राफिक्स मिलती है जिस पर रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। रियर में आप देखेंगे तो आपको इसमें जो टेलाइट लगी मिलती है एलईडी का दिया हुआ है राउंड शेप में मिलता है और इसमें टर्न इंडिकेटर आपको मिलते हैं। बल्ब वाले राउंड शेप में आपको टर्न इंडिकेटर भी लगे मिलते हैं जो देखने में काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। डायमेंशंस की बात कर लें तो इसमें आपको जो कर्वेट मिलती है इस बाइक की 195 केजी का इसका वेट दिया हुआ है। लेंथ आपको मिलता है 2145 mm का, विड्थ आपको मिलती है 785 mm का और व्हील बेस आपको मिलता है 1390 mm का इसका व्हील बेस दिया हुआ है। और दोस्तों इसमें आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है इस बाइक में 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है और सीट हाइट आपको मिलती है 805 mm का इसमें सीट हाइट दिया हुआ है। फाइनली अब बात करें इस बाइक के ऑन रोड प्राइस का तो इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस निकल के आ रहा है वाराणसी में 2,40,811 रुपीज़ इसकी ऑन रोड प्राइस निकल के आ रही है वाराणसी में। दोस्तों यह प्राइस फिक्स नहीं है, एग्जैक्ट प्राइस के लिए आप शोरूम में विजिट कर सकते हैं क्योंकि सभी वेरियंट और सभी कलर का प्राइस डिफरेंट होता है। तो दोस्तों ये रहा रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 हेल्सियन ब्लैक कलर का डिटेल्स रिव्यू। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई बाइक के साथ, किसी नए रिव्यू के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।